नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं कुणाल गुरु। दोस्तों, सलमान खान ने अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त को, जो कि उनके बचपन के दोस्त हैं, जिनका नाम है सादिक, उनकी शादी की सालगिरह पे उनको एक अलग तरीके से बधाई दी है और बड़े ही रोचक बधाई है। और जो ये वीडियो सलमान खान ने शेयर किया है, यह 33 साल पुराना है और इस वीडियो में 90s की मानी जानी एक्ट्रेस संगीता बिजलानी भी दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में होता यह है कि सलमान खान एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद अपने दोस्त को बधाइयां देते हैं। बधाई देने के बाद वो संगीता बिजलानी से कुछ गुफ्तगू करने लग जाते हैं और इसमें जो सलमान खान का रंग रूप आपको देखने को मिलेगा, जो उनकी पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी, शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे ना पहचान पाए, क्योंकि वो उनके जस्ट स्टार्टिंग करियर की ही बात है और उनका वो जो लुक है वो भी उस टाइम का है और आज के टाइम से उस टाइम को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अलग चेंज लुक देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्लिम ट्रिम सलमान खान, ढीली ढाली शर्ट और उस तरीके के कपड़े 90s वाले, तो पहचानना जरा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि क्या उसमें दिख रहा है, क्या इस वीडियो में दिख रहा है। अब सलमान खान ने क्या रोचक लिखा है, और ये तो हो गई वीडियो की बात कि रोचक वीडियो उन्होंने इतने साल पुराने निकाला और उसको उन्होंने पोस्ट किया अपने सोशल हैंडल पर, और उन्होंने जो लिखा है वो भी काफी रोचक है। उन्होंने लिखा कि बचपन का दोस्त सादिक, चाइल्डहुड मतलब कि जब मैं बचपन का था, और 33 साल पहले सादिक ने शादी की और रिहाना के लिए मेरे दिल में 33 साल पहले सादिक ने शादी की थी और रिहाना के लिए मेरे दिल में सम्मान है जिसने अब तक ये शादी बचाए रखी। और शादी की सालगिरह मुबारक, रिहाना को मेरी लास्ट एडवाइस है कि अभी भी समय है, भाग जाओ। और उसके बाद वो हा 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 थोड़ा सा लिख देते हैं, ये मजाक में उन्होंने कहा था। अच्छा, ये चीज़ आप ये सादिक की शादी को लेके अगर आप देखें तो उसमें भी ये चीज़ ये मेंशन कर रहे हैं कि अभी भी इस तरीके का मजाक, मतलब कि वो अभी भी टाइम है, आप भाग जाइए, बचने वाली बात। और ऐसे ही वो अपने जो साजिद नाडियाडवाला, शायद उनकी शादी में, जब इन दोनों की शादी एक साथ होने वाली थी, सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला की, वो भी किस्सा मैं इसी चैनल पर बता चुका हूँ, आई कार्ड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो उनसे भी उन्होंने ऐसा ही मजाक किया था, वो एक बार करने वाले थे शादी और साजिद नाडियाडवाला सोचने लगे कि अब शादी होगी और हम दोनों लोग साथ में शादी करेंगे, लेकिन सलमान खान बैक स्टेप ले लेते हैं और जब वो वहां पे होते हैं स्टेज, जब उनको विश करने जाते हैं, तब वो ये बोलते हैं कि अभी भी समय है, गाड़ी रेडी है, अगर आप चाहो तो भाग सकते हैं हम लोग अभी। तो इस तरीके के मजाक वो करते हैं सलमान खान। तो ये उनका जो था ये अपने दोस्त के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, एक और खबर आई है जो सलमान खान को लेकर, वो ये है कि जो उनका हिरन वाला केस चल रहा था, काले हिरन वाला, उसमें उन्होंने माफ़ीनामा दिया है। माफ़ीनामा किस लिए दिया है, क्योंकि सलमान खान के पास जो गन थी, पिस्टल थी, वो उनको लगा था, उस समय उन्होंने एक FIR किया था मुंबई में कि उनका जो लाइसेंस है वो खो गया है, और लाइसेंस खोने की वजह से उन्होंने FIR किया। और बाद में ये पता चला कि 8 अगस्त 2003 की बात है कि वो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए गया था, वो अपने कामों में व्यस्त थे और उनको ये पता नहीं थी बात की लाइसेंस रिन्यूअल के लिए गया, उनको लगा कि लाइसेंस मेरा खो गया है। तो अब जो उनके सारस्वत, उनके वकील हैं कोई, हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में ये बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके लिए अभिनेता को माफ़ कर दिया जाए। तो माफ़ीनामा सलमान खान की तरफ से मांगा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये खबर बताई थी कि सलमान खान वर्चुअली अटेंड करना चाहते हैं कोर्ट को, इसकी परमिशन उन्होंने मांगी थी, गुजारिश की थी, और ये चीज़ हो भी गई क्योंकि कोरोना की वजह से और ये सब भीड़ लगती, इस वजह से उनको ये परमिशन मिली कि हाँ ठीक है, आप वर्चुअली, आप वीडियो, लाइव वीडियो में आप आके अटेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक खबर ये भी थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। जो तीसरी खबर है वो ये है कि जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, राधे मूवी, राधे मूवी का टीज़र मार्च में रिलीज होने वाला है। और खबर ये भी आई है कि राधे मूवी के इस टीज़र के बाद, जो टीज़र है वो शायद 1 मिनट या ऐसे ही कुछ, 1 मिनट से भी कम का होगा, और इसके जस्ट बाद ही ट्रेलर भी आ जाएगा, क्योंकि इसको ईद पर रिलीज़ करना है इस मूवी को। तो ये चीज़ बड़ी खुशखबरी की बात है कि राधे मूवी मार्च में ही टीज़र आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसी में आपको सारे एक्शन सीन्स भी दिख जाएंगे लगभग, जिसका मतलब एक अंदाजा आप लगा सके, सारे एक्शन सीन्स भरे पड़े होंगे, जिससे कि इस मूवी में कितना एक्शन किस लेवल का है वो भी इस चीज़ का अंदाजा लग जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि जो अक्षय कुमार स्टार सूर्यवंशी है,
उस इस राधे मूवी को उस मूवी के साथ अटैच किए जाने की भी चर्चा है, मतलब कुछ ऐसा मिलता जुलता या साथ में कुछ क्लिप्स लगाई जाएंगी ऐसा कुछ होगा। तो ये राधे मूवी से खबर निकल के आई। अब बात करते हैं दोस्तों सलमान खान की चौथी खबर की, जो कि प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर फिर से सलमान खान की एक बार बींग ह्यूमन वाली पर्सनैलिटी दिख जाती है और मानवता वाली उनकी पर्सनैलिटी दिख जाती है। हुआ ऐसे कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने ऊपर एक किताब, अपनी जीवनी लिखी है और वो जीवनी अभी कल ही पब्लिश की गई उनकी ये बुक, तो इस वजह से चर्चा में है। अब चर्चा में है तो उसमें बॉलीवुड के काफ़ी पॉजिटिव साइड्स, काफ़ी निगेटिव साइड्स, सारी चीज़ें उसमें उन्होंने बयां की हैं। तो उसमें एक ऐसा ही किस्सा और बताया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बुरे अनुभव उस वक्त के हैं जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। जूम के मुताबिक प्रियंका ने किताब में एक सॉन्ग के शूटिंग का जिक्र किया है, और वो सॉन्ग का नाम वाम तो नहीं उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उसका पूरा किस्सा जो है दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। इस सॉन्ग में उनको अपने कपड़ों को एक एक करके उतारना था, क्योंकि ये एक बड़ा सॉन्ग था। इस सॉन्ग के शूट के लिए प्रियंका ने डायरेक्टर से एक्स्ट्रा बॉडी लेयर पहनने के लिए पूछा था, ताकि वह अपनी स्किन को न दिखा सके। प्रियंका ने किताब में लिखा, डायरेक्टर ने कहा कि मैं अपने स्टाइलिस्ट से बात करूं, तो मैंने उन्हें कॉल किया और संक्षेप में वो परिस्थिति समझाई और डायरेक्टर को फोन दे दिया। वो मेरे सामने खड़े थे, डायरेक्टर को फोन दे दिया और वो उनके सामने ही खड़े थे। फिर उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका ने आगे लिखा कि डायरेक्टर ने कहा जो भी हो चड्डियां दिखनी चाहिए, तो ये बात डायरेक्टर के मुंह से थोड़ा सा वल्गर थी, खैर दिखनी चाहिए, नहीं तो लोग पिक्चर क्यों देखने आएंगे। मैंने अगले, प्रियंका आगे कहती हैं कि मैंने अगले दिन वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मैं इस लुभाने वाले सॉन्ग को करने के लिए तैयार थी। डायरेक्टर के शब्दों और लहजों ने मेरी अंतरात्मा को इसे स्वीकारने से मना कर दिया। उन्होंने आगे लिखा कि मेरा फैसला डायरेक्टर को भारी पड़ गया। मैं किसी और फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तभी वो डायरेक्टर सेट पर मुझसे मिलने आए। वह परेशान थे, उनके को स्टार सलमान खान को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो सलमान खान ने इसमें हस्तक्षेप किया, और जो ये बात डायरेक्टर ने बोली थी प्रियंका चोपड़ा को, जिससे वो नाराज हुई या जो बात उनको पसंद नहीं आई, जाहिर सी बात एक पसंद आने वाली बात भी नहीं थी। तो सलमान खान ने इसमें सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई बुलाया जाए, अप्रोच किया, तो उनकी बात की वजह से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से प्रियंका चोपड़ा को फिर से बुलाया गया। अब उन्होंने जिक्र तो नहीं किया है कि कौन सी मूवी थी, कौन सा सॉन्ग था, लेकिन हाँ अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान जिस मूवी में एक साथ रहे होंगे वहां पे आप कुछ दो चीज मूवी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये प्रियंका चोपड़ा ने जो बुक लिखी उसके ऊपर ये पूरी कहानी थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, जिसमें कि एक बड़ी अच्छी बात की, जिसमें सलमान खान ने अपने अंदाज में अपने एक दोस्त को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी, और दूसरे जिसमें कि 33 साल पुराना सलमान खान का एक रियल वीडियो, जो कि मूवीज और सॉन्ग नहीं, रियल वीडियो जो कि जहां पे वो गए थे, किस तरीके से हाव भाव उनका हुआ करता था, वो देखने को मिला। फिर उसके बाद सलमान खान के काले हिरन वाले केस से लेके एक बात निकल के आई, जिसमें कि उन्होंने माफीनामा मांगा कि उनके पास लाइसेंस उनका खो गया था, ये उनको लगा, लेकिन वो तो रिन्यूअल के लिए गया था। तीसरी तरफ खबर आई दोस्तों, जिसमें कि सलमान खान की राधे मूवी आ रही है। राधे मूवी का टीजर जो है वो मार्च में रिलीज होगा, और जल्द ही उसके बाद ट्रेलर आएगा और ईद पर मूवी रिलीज हो जाएगी। और चौथी खबर ये थी जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट किया सलमान खान ने, किस तरीके से, वो उसका जिक्र खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपनी जीवनी में लिखा है किताब में, और वो किताब जो कि कल ही पब्लिश हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। खबर आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जैसा कि हर बार कहता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। दुनियादारी दोस्तों कभी काम नहीं आती है। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।